सुबह के लिए बहुत ही हेल्दी और फटाफट से बनने वाला नाश्ता है। ना तो इसमें तेल लगेगा, ना ही हमें कुछ भिगोना करना है, तुरंत ही बन के तैयार हो जाएगा। बस हमें चाहिए होगा 1 कप पोहा, 1 कप सूजी और 1 कप नॉर्मल वाली दही। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चूड़ा को अच्छे से धो लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। चूड़ा तुरंत ही फूल जाता है। धोने से क्या होगा कि इसका जितना भी गंदा है ना और डस्ट होता है, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। 2 मिनट बाद आप देखिएगा कि ये अच्छे से मुलायम हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको छान लेते हैं और एक्स्ट्रा पानी हटा देते हैं। एक बर्तन रख लें मेज़र करने के लिए। मैंने 1 कप से 1 कप पोहा, 1 कप सूजी और 1 कप दही यूज़ की है। बिल्कुल नॉर्मल वाली सूजी है जो हम लोग उपमा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ये घर की दही है। अगर खट्टी दही हो उसकी जगह तो और अच्छा नाश्ता बनेगा। बस मिक्सी जार में पीसने के टाइम में हम इसमें थोड़ी सी अदरक मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची अगर आप खाते हो तो डालें, अगर हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो फिर मिर्ची नहीं डालते हैं। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग से बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा, साथ में डाइजेशन भी इससे अच्छा होता है। और नमक डालेंगे, साथ में काली मिर्च डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये नाश्ता 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। ना तो इसमें घी तेल लगेगा, ना ही उसमें ज़्यादा कुछ मसाले लगेंगे। और पीसने के टाइम में ये काफ़ी ऊपर आ गया था तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और अभी पानी नहीं डालेंगे, बाद में अगर पीसने के बाद गाढ़ा लगेगा तो फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर लेंगे। और एक बर्तन में निकाल लेते हैं, अभी ये थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा है। तो मिक्सी जार को धो के थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, लगभग आधी कटोरी मैंने पानी बाद में डाला था, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड में स्टीमर को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और स्टीमर तैयार हो जाएगा। तो हम इनो और 2 बूंद नींबू का डालेंगे और फिर इसको स्टीम कर लेंगे। एक पूरा ये पाउच हम डाल देंगे इनो का। और अगर इनो ना हो तो हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे इसकी जगह पे। और अब इनो पे 2 बूंद नींबू का रस डालते हैं और 2 चम्मच के करीब पानी। इनो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने एक डब्बे को ग्रीस करके रखा है, मतलब घी लगा के रखा है उसमें, जिसमें भी आपको स्टीम करना हो चाहे तो इसको हम लोग इस इडली वाला जो स्टैंड होता है उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। और अब फटाफट से इसको हम डब्बे में पलटेंगे और स्टीम कर लेंगे। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा नाश्ता है। और आप चाहें तो इसको शाम को नाश्ते में बनाएं या सुबह ब्रेकफास्ट में, बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दें, इससे देखने में अच्छा लगने लगेगा। और अब इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं। तो कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करके रखा है और इसमें हम लोग जो बर्तन के नीचे स्टैंड लगाते हैं उसको रखते हैं। सीधा करके रखने पे बहुत हाइट हो जा रही थी और कढ़ाई ढकती नहीं, तो मैंने इसको पलट दिया था। और अब डब्बे को रख देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, मतलब कि हाई साइड में ही रहेगा, गैस बहुत धीमी नहीं रहनी चाहिए। और कढ़ाई को हम ढक देंगे पलट के किसी बर्तन से और ऊपर से कुछ भारी सामान रख देंगे जिससे कि स्टीम जो है वो बाहर ना जाए। और 15 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। चटनी की बहुत सारी रेसिपी मैंने चैनल पे डाली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करिएगा। 15 मिनट हो चुका है और इसको देखते हैं। और ये हमारा ढोकला बिल्कुल बन के अब तैयार हो गया है। इसका स्वाद आपको इडली के जैसा भी लगेगा और ढोकले का जैसा भी लगेगा। इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई से, 2 मिनट बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटे टुकड़ों में काट लें या जैसे मैंने काटा है इस तरह से काट लें। और अब ये तैयार है। और इसको ट्विस्ट देने के लिए हमने एक तवे पे तड़का देना है, तो तवे पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, उसमें राई डालेंगे और मीठी नीम डालेंगे। मीठी नीम को मैंने काट के डाल दिया था जिससे कि जब बाइट आती है तो फिर वो पत्तियाँ फंसती नहीं है मुँह में और अच्छे से मिक्स हो जाती है सब चीज़ों के साथ। थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे और चाहे तो यहाँ पे आप प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। तड़का जैसे ही हो जाएगा हम पोहा के जो ये हमारे ढोकले हैं इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे।
चाहे तो इसको हम बिना तड़के के भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैंने इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व किया था, तो चटनी या सॉस किसी चीज़ के साथ भी आप खाइएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये नरम नरम टेस्टी सा नाश्ता तैयार है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।